हैं बख्तियारपुर यानी कि मार्केट में। यह देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल ये पसंद हो चुका है और इसे अभी लेंगे। तब कितना पड़ेगा अंकल? 70 रुपये। तो अभी देखिए फिलहाल मतलब मार्केट से चले आए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों कैसे, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों अभी देखिए हम आए हैं बख्तियारपुर यानी कि मार्केट में। तो यहाँ का आप सभी को नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों। चलिए अभी मतलब पापा भैया सब आगे गए हैं, तो चलिए ब्लॉग में बने रहेंगे और यहाँ का आप सभी को व्यू दिखाएंगे दोस्तों। और फिलहाल देखिए पूरा एकदम मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। तो अभी पापा और भैया सब आगे गए, तो आप सभी को आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, यह देखिए अभी मतलब कि सभी देख रहे हैं, शूटर खरीदने के लिए आए तो वही देख रहे हैं। यह देखिए शूटर हो गया है, यह देखिए बच्चे का शूटर देखिए। और अभी यहाँ पर बहुत सारे कपड़े मतलब बेच रहे हैं अंकल। यह देखिए, देख सकते हैं सभी प्रकार के यहाँ मिल जाएगा शूटर यानी कि जो भी आप पैंट वगैरह शर्ट सब मिल जाएगा। और जो भी है बच्चा का है, ये देखिए पैजामा हो गया, टोपी हो गया, ये तो पैजामा हो गया बड़ा छोटा वाला। चलिए तो अभी मम्मी फिलहाल देख रही है और इसमें जो पसंद आएगा वो अभी मतलब खरीदेंगे। इधर पापा भी है काम में। और यह देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल ये पसंद हो चुका है और इसे अभी लेंगे। और फिलहाल अभी और निकाल रहे हैं, और एक यह है, इसमें अभी दो को लेंगे, एक ये रहा और ये तीन को। फिलहाल दो को लेंगे दोस्तों, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। चलिए अभी देखिए, पैंट है ना। कितना ये सब कितना पड़ेगा अंकल? 70 रुपये। देखिए दोस्तों, अभी यह स्वेटर और टोपी पजामा सभी मतलब कि पैक हो चुका है। और इधर देखिए अंकल पैक करने में लगे हुए। यह देखिए दोस्तों, और यानी कि दो स्वेटर और एक टोपी ले लिए, टोपी। चलिए अभी पैक कर देते हैं। और बाकी तौलिया है, ये बच्चे का लेने वाला है, ये बोलता है छोटे छोटे बच्चे का ही लिए है। और फिलहाल और बड़ा के भी लिए। इधर देखिए दोस्तों, और यहाँ आपको थोड़ा सस्ता दाम मिल जाएगा। आपको एक पैंट का दाम है 70 रुपये, जहाँ कि आप अगर मतलब बड़े दुकान में जाओगे तो आप सभी को पड़ जाएगा 100-150 रुपया। तो यहाँ पर आपको 70-60-70 रुपये मिल जाएगा। और ये देखिए फिलहाल मम्मी देख रहे हैं, जो भी पसंद आए वो अभी की खरीद लेंगे। और देखिए स्कूल ड्रेस, अभी स्कूल नहीं जाना है, स्कूल ड्रेस पापा वहाँ पर ही देख रहे हैं। देखिए छोटी तुम नहीं खरीदोगे रे, पर ये इधर ठड़ी है। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अभी फाइनली मतलब पैक हो चुका है। ये देखिए, और अंकल को पैसा मिल चुका है और अभी हम लोग चलेंगे सामान लेंगे। और ये देखिए सामान ले चुके हैं दोस्तों, दो टोपी एक मफलर। चलिए अभी तो सो फाइनली गाइस, देखिए पूरा सामान खरीद चुके हैं और अभी और आगे चलेंगे। और देखिए फिलहाल अभी और भी सामान लेना है हम लोग को, फिलहाल चलते हैं आगे। देखिए तो आगे चलते हैं, देखिए भैया अभी जा रहे हैं सारा सामान लेकर। और देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है यहाँ पर, ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये रहे बख्तियारपुर का मार्केट, देख सकते हो इधर भी सामान जो है बिक रहा है। और मैं दिखा दूँ, हम लोग मतलब आगे चले गए थे फिलहाल, पापा वापा पीछे रह गए। और चलिए अभी आगे और भी चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ का। ये देखिए बता दो कि दोस्तों, ये सब सारा सामान है करवा चौथ का, क्योंकि कल है करवा चौथ इस वजह से, और आज मार्केट में इस वजह से भी इतना ही भीड़ है। देखिए सारा सब सामान लेने के लिए आए हैं। और ये सब जो बटर दिख रहा है सब छठ के लिए है। तो फिलहाल अभी मम्मी सब नहीं लेंगे,
अभी और आगे देखते हैं। और देखिए इतना सारा ऐसा भी खरीदने के लिए आए हैं, ये देखिए। चलिए और भी आगे नज़ारा दिखाते हैं, ये देखते हैं दोस्तों। और चलिए दोस्तों इधर देखिए, पापा जो है उनकी सब्जी लेने के लिए आ गए हैं। कैसे है भैया? 20 रुपये है लेना है? किलो? हाँ बैगन ना, बैगन ना। देखिए दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पर ही पूरा सब्जी मतलब बिक रहा है, और आगे आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। और फिलहाल मतलब पापा खरीद लिए सब्जी जो भी लेना था, फूलगोभी लिए। और देखिए दोस्तों अभी आए हैं मतलब सब्जी मार्केट में, अभी सब्जी लेने के लिए, और यह पापा भी मतलब सामान खरीदने में लगे हुए हैं। और फिलहाल इधर कद्दू लिए हैं, यह देखिए चोटी पकड़ रखी है। और अभी और सामान लेना है। चलिए तो दोस्तों देखिए फाइनली सब्जी जो है खरीदा गया है, देखिए पूरा सारा सामान है, अभी ज़्यादा ही बाड़ी है। और पापा ले लिए, अभी फिलहाल हम ले लेते हैं। चलिए अभी चलते हैं घर। ये दोस्तों आ गए हैं भैया अभी शिकंजी पीने के लिए। कैसे कैसे गिलास है अंकल? 10 रुपये गिलास है, 5 रुपये हाफ। अच्छा, और देख सकते हो दोस्तों 10 रुपये 5 रुपये। चलिए चलिए अभी बनवाते हैं दोस्तों। और देखिए और इसमें नींबू आता है ना, नींबू और क्या आता है? अच्छा मसाला है। और ये देखिए दोस्तों नींबू और मतलब जीरा जल जीरा रहता है। और आप सभी को दिखाते हैं 2 गिलास। और ये देखिए दोस्तों दिखा देते हैं, यह पूरा मतलब कि इसमें बर्फ वाला पानी रहता है। फिर देखिए भैया ले लिए। और ये देखिए दोस्तों अभी फिलहाल तैयार हो चुका है, चलिए अभी पीकर दिखाते हैं आप सभी को। और दोस्तों मैं बता दूं कि अभी मतलब कि पैसा वैसा दे दिए हैं, और मतलब अभी थोड़ा ठंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों, तो इसका तो जो भी मतलब बिक्री था वो अब कम जाएगा। तो फिलहाल चलिए अभी तो दोस्तों अभी देखिए फिलहाल मतलब मार्केट से चले आए हैं, और अभी जा रहे हैं गाड़ी के पास। और दिखाते हैं, ये देखिए फिलहाल अभी स्टेशन आगे है, देख सकते हो ट्रेन जा रहा है। फिलहाल आगे स्टेशन है दोस्तों, और हम लोग को अभी जाना है, ये देखिए वो जो रूट दिख रहा है आपको वो देखिए इसके पास, क्योंकि गाड़ी ही मतलब छोटा भाई लेके आएगा। सो चलिए अभी ब्लॉग में बने रहेंगे, और भैया देखिए लेके जा रहे हैं, और इधर पापा है तो फिलहाल चलिए, और आप सभी को दिखाएंगे दोस्तों, ये देखिए। और चलिए दोस्तों देखिए अभी मतलब रेलवे स्टेशन की पटरी के पास है, अभी फ़िलहाल हम लोग को ऊपर जाना है। और जो अभी ट्रेन गया है वो पलामू एक्सप्रेस था, नाम भी गजब है, पलामू एक्सप्रेस जो राजगीर से आया था पटना। चलिए अभी हम लोग आगे जाएंगे, ये देखिए कहाँ से? यहाँ से। चलिए तो अभी पापा रह गए उधर ऊपर जाके नीचे। चलिए अभी चलते हैं, और देखिए दोस्तों किस तरह से रास्ता है, ये देखिए यहाँ से हम लोग को अभी ऊपर जाना है। ये रहा नीचे जो है ट्रेन का, और ऊपर जो है इनकी 4-व्हीलर। चलिए वो बिहार का रूट है। और देखिए दोस्तों कैसे पहाड़ के जैसा चढ़ रहे हैं ऊपर हम लोग। पापा रह गए नीचे फिलहाल, वो भी आ रहे हैं। चलिए अभी चढ़ते हैं ऊपर। चलिए तो, और फाइनली दोस्तों देखिए आ गए हैं मेन रोड पे, ये देखते ये रोड रहा। तो अभी देखिए यहाँ से फिलहाल हम लोग को यहीं पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी लेकर आएगा छोटा भाई, फिलहाल वो गया था सबनीमा, यानी कि पुराने घर जो पहले मेरा घर था वहाँ। और देखिए ऊपर से नीचे का नज़ारा आप सभी को दिख रहा होगा, ये जो है एकदम आगे आपको मिलेगा, यानी कि जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर वेट कर रहे थे, फिलहाल मम्मी आई है सामान लेके आई है, देखिए
अभी सामान रखने में लगी हुई है, और इधर भैया मतलब केला खाने में लगे जो कि मम्मी लेकर आई थी। दोस्तों मम्मी ने केला लाया है तो केला बैठ के खा रहे हैं। हमारा भी गाड़ी नहीं आया है, फोन किया गाड़ी लेके आ रहा भाई। और ये जो है चुन्नी के लिए रो रही थी कि चुंदरी लेना है, मतलब ओढ़नी लेना है, तो वही मम्मी दिलाने के लिए गए थे और लेकर आई है। देखिए कितना खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलिए दोस्तों अभी गाड़ी का वेट करते हैं, वो कब लेकर आएगा। तो फिलहाल चलिए अभी आएगा तो दिखाते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे दोस्तों। और नीचे का नज़ारा आप लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए नीचे ट्रेन क्रॉस करता है। फिलहाल चलिए सुपाइली दोस्तों, देखिए काफ़ी मतलब आधा घंटा वेट करने के बाद आ चुका है टोटो। तो अभी हम लोग चलते हैं फिलहाल यानी कि घर। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी निकल चुके हैं और मिलती है आप सभी को हरनौत में। और देखिए अभी ये रहा मेन रास्ता। सो गाइस देखिए अभी मेन रोड हम लोग अभी पहुंचे भी नहीं है और गाड़ी पंचर हो गया है। फिलहाल हम लोग को काफ़ी रात हो जाएगा। और अभी देखिए कितना बज गया है, ये 5 बजा है, 5:30 हो चुका। और अभी देखिए पूरा पंचर हो गया, हवा निकल गया पूरा। देखिए चलिए अभी बनाते हैं इसे। देखिए दोस्तों फिलहाल पंचर मतलब बन गया है। देखिए अभी हम लोग को फिर से घूर के जाना पड़ेगा सबनीमा, यानी कि इधर से आए हैं, अभी हम लोग को रिटर्न यही जाना है। तो आज रात भर यानी कि सबनीमा में रुकेंगे, वहाँ पर घर है यानी कि छोटी मम्मी का। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों अगले वीडियो में कि छोटी मम्मी आई थी कार धरने के लिए, इसलिए फिलहाल हम लोग को वहीं जाना, रात भर वहीं रुकेंगे, सुबह कल 6 बजे वहाँ से निकलेंगे दोस्तों। चलिए क्योंकि इधर से जाने में काफ़ी रात हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहेंगे। अभी फिलहाल देखिए छोटा भाई भी लगा हुआ है, तो फाइनली बन चुका है। और ये देखिए यही पंचर हुआ था टायर। तो चलिए अभी ये जो है पूरा खोल खाल के अभी यहाँ पर ही था, तो फिलहाल लगा देंगे। चलिए और यह देखिए सभी यहीं पर ही वेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो गाइस देखिए अभी फिलहाल हम लोग मेन रोड पे हैं, देख सकते हो पूरा, या देखिए गाड़ी चल रहा है। और मैं बता दूं कि हमारा गाड़ी जो है पंचर हो गया था। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं तक रखता हूं दोस्तों। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कोई और नेक्स्ट ब्लॉग में, तो आज के लिए इतना ही, बाय।